भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसकी अतिशय मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। पूरे विश्व में जितने भी सनातन मूल्यों को समर्पित जन हैं, जितने हिंदुत्व की प्रेरणा से अभिसिंचित मनुज हैं, जो भी श्रेष्ठ मार्गों पर और उच्चता के मार्गों पर अपने जीवन के ध्येय को निष्पादित करने का संकल्प ले चुके व्यक्ति हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, हार्दिक आशीर्वाद। कोई भी जो महापुरुष है, कोई भी जो अवतार है, जिनको हम एक पुरुषों में श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पर आत्मसात करते हुए हृदय तल की अनंत गहराइयों से स्वीकृत करते हैं और उनको अवतारों की संज्ञा के स्वरूप में स्थापित करते हैं, स्वीकृत करते हैं और मान्य भी करते हैं, उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं, यदि वो शिक्षाएं हमारे जीवन का अंग बन सकें, यदि उनके द्वारा दी गई देशनाएं हमारे सरोकारों को श्रेष्ठ और बेहतर दिशा में अभिप्रेरित कर सकें, यदि उनके द्वारा किए गए सभी तरह के कृत्य, सभी तरह के क्रियाकलाप, सभी तरह के कार्य हमारे जीवन कार्यों की थाती बन सकें, उनकी संजीवनी के रूप में निषेचित हो सकें, तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्गों पर लगा सकेंगे। मनुष्य जब भी जितनी बार भी इस धरती पर आएगा, उसके कुछ आयामों को सही ढंग से संपादित करने के कुछ सही तौर तरीके हैं। हर बार उसको उसी तरह से उन्हीं तरीकों को अपना करके, उन्हीं टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के बाद जीवन में सफलता का वरण हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस तथ्य के सर्वाधिक प्रबल प्रणेता हैं। वो अगर आज के समय में हम देखें तो आधुनिक सीईओ हैं, उनसे बढ़िया मैनेजमेंट का सूत्र कहीं प्राप्त नहीं होता है। और पूरे पश्चिम ने, चाहे वो कार्य प्रबंधन है, चाहे टाइम मैनेजमेंट है, चाहे फाइनेंशियली गेन है, चाहे पावर पोजिशन की बात है, चाहे किसी तरह से सही संदेशों को दुनिया तक पहुंचाना है और अपने वर्चस्व को स्वीकृत करने की या आधिपत्य की बात है, भगवान श्री कृष्ण की के मुखारविंद से झरी हुई जो मद भगवद गीता है, उससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ हो नहीं सकता है। सभी ग्रंथ हमारे धर्मों की चेतना को उद्दीप्त करने वाले सभी संप्रदायों के, सभी धर्मों के, सभी ग्रंथों की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता की कोई सीमा नहीं। उसके 18 अध्याय और 700 श्लोक हर व्यक्ति के जीवन पर आमूल चूल प्रतिष्ठापित होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लिए उसमें से कुछ श्लोक चुन सकता है और उन श्लोकों को अपने जीवन का आधार बनाकर एक अच्छे ढंग से अपने जीवन का निर्वहन कर सकता है। तमाम उन पदार्थों को, उन वस्तुओं को, उन चीजों को प्राप्त करने में सक्षम और कामयाब हो सकता है जो उसका लंबे समय तक स्वप्न रही हो, जो उसके जीवन को किसी न किसी रूप से उद्वेलित करती रही। तो वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें समझना और सीखना चाहिए। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आई कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, शांति, सद्भाव, भाईचारा, मित्रता का संदेश देता रहा। बात बनी 18 दिन में बन गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में आने के बाद 18 दिन में हिसाब किताब चुकता। तो कभी कभी ये तथ्य भी हमें सत्य की ओर उन्मुख करता है। और इतिहास से अगर हम कुछ ना सीख सकें तो फिर इतिहास हमारे लिए सार्थक भी नहीं। तो वो सबलता के प्रतीक हैं, संबोधि के प्रतीक हैं, संबुद्धता के प्रतीक हैं, सक्षमता के द्योतक हैं। वो हमारे लिए सब तरह से श्रेष्ठ कार्यों की प्रेरणा देने वाले हैं और वो हमारे बचपनों को भी किसी तरह से निरीह और पराश्रित और कमजोर बताने वाले नहीं। अकेले ऐसे देव हैं, अकेले ऐसे
हमारे धर्म के महापुरुष हैं, अकेले ऐसे अवतार हैं जिनके बचपन के कृत्यों से ही प्रेरणाएं प्राप्त होनी होती हैं। और वो कहते हैं कि अगर बुरा है तो वो कितना भी सहोदर क्यों ना हो, वो हमारा सगा मामा ही क्यों ना हो, हमें उसके साथ नहीं खड़ा होना है। तो कृष्ण शब्द जो जिसका भावार्थ है ग्रेविटी, जिसका भावार्थ है आकर्षण, जिसका भावार्थ है अपनी ओर खींच लेना, तो उनकी यही शिक्षाएं हमें अपनी ओर खींचती हैं और सत्य के साथ खड़े हैं। अगर दुर्योधन असत्य के साथ है तो उसके मेवे, उसके मिष्ठान, उसकी पद प्रतिष्ठा को ठुकराकर विदुर के घर एक साग और खिचड़ी खा करके प्रसन्न है। तो उनकी जो समस्त प्रेरणाएं हैं वो हमारे जीवन को सक्षम बनाती हैं, सामर्थ्यवान बनाती हैं और जीवन को अच्छा बनाती हैं। वो गुरु गोरखनाथ के उस संदेश को भी प्रेरित करते हैं जिसमें गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। वो बांसुरी बजाते हैं तो आनंद और उत्सव के प्रचारक हैं, और वो चक्र धरते चक्र को धारण करते हैं तो विध्वंस के प्रतीक भी हैं। तो अपने जीवन में अगर कर्म का बोध हो, यदि अस्तित्व की लड़ाई हो, मान सम्मान का प्रश्न हो, तो शास्त्र तो रखिए पास में, शास्त्र तो सुनाइए शिष्यों को और शस्त्र रखिए हाथ में, तब आपकी विजय सुनिश्चित होगी। यदि हम इन जीवन अनुभवों से, यदि जीवन की इन प्रेरणाओं से हम अपने जीवन को कुछ संतुलित कर सकें, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और अच्छा बना सकें, तो हमारी हमारे अवतारों के प्रति सबसे बड़ी निष्ठा होगी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म है उसी दिन हमारी जो 10 कमांडमेंट्स हैं, जो महाशक्तियाँ हैं, जो पराविद्याओं की अधिष्ठात्री देवियाँ हैं, उन 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ काली का भी प्राकट्य दिवस है, उनका जन्म दिवस भी उसी दिन होता है। तो वो भी हमें दुष्टों पर विजय का संदेश देती है, वो भी हमें असत्य को मिटाकर सत्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक बनकर दिखाती है। तो हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो मातृसत्ता है, वो माँ काली से प्रेरणा लें, और जो हमारे पुरुष हैं, जो हमारे मनुष्यता के श्रेष्ठ कृत्यों की ओर चलने वाले जन हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर के सभी तरह के असत्यों के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध हों। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, सामर्थ्यवान हो, शस्त्र और शास्त्र से युक्त हो, जो आपके अवतारों का संदेश है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।